अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर ब्लेडर एंड इट्स फंक्शंस। सिनॉप्सिस के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ एयर ब्लेडर, स्ट्रक्चर ऑफ एयर ब्लेडर, फंक्शंस ऑफ एयर ब्लेडर एंड रिफरेंस। इंट्रोडक्शन बात करें तो बोनी मछलियों का एक विशेष अंग गैस से भरा जो है न्यूमेटिक कोश है, जो वायु आशय या स्विम ब्लेडर कहलाता है। यह आहार नाल के पृष्ठीय और वर्टेब्रल कॉलम तथा जो है मिसोन फेरिक किडनी के ठीक नीचे परंतु सीलोम के बाहर स्थित होता है। एलेचमोब्रांक में स्विम ब्लेडर नहीं पाया जाता। ओरिजिन ऑफ एयर ब्लेडर। टेलियोस्ट मछलियों में वाताशय इसोफेगस से एक ब्रस्ट या पृष्ठ पार्श्व डाइवर्टिकुलम के रूप में विकसित होता है। यह इसोफेगस से एक छोटी से उभार या कोष्ठ के रूप में निकलकर धीरे धीरे बड़ा होकर पार्श्व से दो अर्ध भागों में बढ़ जाता है। कुछ आद्य मछलियों को छोड़कर अन्य मछलियों में वाताशय का बायां अर्ध भाग क्षीण हो जाता है तथा दाहिना भाग मध्य स्थिति में आकर वाताशय का कार्य करने लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ एयर ब्लेडर। वाताशय के आकार आकृति एवं संरचना में बाकी विविधता होती है। यह एक दृढ़ व कोश के समान रचना है जिसके चारों ओर रुधिर सेल्स का जाल फैला रहता है। वाताशय की दीवार में दो स्तर होता है, वाताशय मीन्स ब्लेडर, एयर ब्लेडर की दीवार में दो स्तर होते हैं। पहला बाहर की ओर संयोजी ऊतक का स्वर जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना, भीतर की ओर पेशी स्तर जो है ट्यूनिका इंटरना जो है स्मूथ पेशी तंतुओं का बना होता है तथा इसमें गैस जो है ग्रंथियां होती हैं। वाताशय में स्थित गैसें जल में घुली गैसों O2, N2 तथा CO2 के ही समान होती है। आशय में गैसें गैस ग्रंथि या टेट ग्रंथि से आती हैं। ब्लड सप्लाई इन एयर ब्लेडर्स। तो पृष्ठीय महाधमनी के पार्श्ववर्ती शाखाओं से सीधे या सिलियोकोम जो है सेंट्रिक की शाखाओं से रक्त वाताशय लेता है तथा जो है वीनस ब्लड वेसल्स में जाकर हेपेटिक पोर्टल तंत्र से जुड़ जाता है। कुछ तंत्र में वायु आशय पोस्टीरियर कार्डिनल सिरा से जुड़ जाता है जो है फाइजोक्लिस्टियस फिशेस में कोशिका का एक जो है थिक जो है ग्लैंडुलर फोल्डेड एपिथेलियम से ढकी रहती है जिसे लाल ग्रंथि कहते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ एयर ब्लेडर। वाताशय की आंतरिक संरचना निम्न प्रकार है। वाताशय में मुख्य रूप से आंत्र जो है दीवार की आंतरिक संरचना के समान होती है। इसमें जो है जो ग्वानिन क्रिस्टल्स जो हैं पाए जाते हैं जो कोलेजिनियस मसल्स फाइबर में धंसे रहते हैं जिससे वाताशय का जो है अपेरेंस जो है सिलीवरी दिखाई देता है। वाताशय में मुख्यतः तीन प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और सेरोसा। म्यूकोसा बाहरी परत है जिसमें लेमेनिया प्रोपेरिया और जो है मस्कुलेरिस म्यूकोसा मिलकर सबसे बाहरी परत बनाती है। इसके नीचे सब म्यूकोसा होती है जो संयोजी ऊतकों की बनी होती है। इसमें जो है मस्कुलरिस जो कोलेजन होते हैं सेल्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ग्वानिन क्रिस्टल्स पाए जाते हैं तथा बेसमेंट लेयर सेरोसा की होती है जो एपिथेलियम की बनी होती है। मॉडिफिकेशंस ऑफ एयर ब्लेडर।
विभिन्न मछलियों में बताशा के आकार आकृति रचना कार्य में अत्यधिक विविधता होती है। इन जो है इलास्मोब्रांच फिशेस, इन मछलियों की केवल भूणी अवस्था में बताशा एक परिवर्तित अवशेष रचना के रूप में होता है। अनेक कार्टिलेजिनेस मछलियों में पांचवें कोष के पीछे आहार नाल की दीवार में या छोटे छोटे गर्त के रूप में शेष रहता है। इन फ्लैट फिशेस, इनमें बताशा जीवन के प्रारंभिक काल में मिलता है। मछली द्वारा सागर के तल पर एक तरफ से पड़े रहने पर बताशा छीण हो जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ जो है फाइसोस टोमियोस एयर ब्लेडर, इन मछलियों में बताशा दो अर्थात अगले एवं पिछले कक्षों में विभाजित होते हैं। पॉलीपेट्रियस, इनमें अति आद प्रकार का बताशा पाया जाता है जो दो पालियों वाले कोष के रूप में होता है। वाम पाली दाहिनी पाली से छोटी होती है या ग्रसनी के नीचे स्थित होता है तथा क्लोम छिद्रों के पीछे ग्रसनी में खुलता है। मॉडिफिकेशन ऑफ जो है फाइसोक्लिस्ट्रस एयर ब्लेडर, इस प्रकार के बताशा के डक्ट्स न्यूमेटिक्स नहीं होता। दोनों कक्ष डक्ट्स कम्युनिकेंस नामक छिद्र द्वारा एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। यह एक अवरोधनी छिद्र है, इसमें अगला जो कक्ष है बताशा के एक ऊर्ध्व से बनता है। सॉरी फ्रेंड्स, सेंसरी फंक्शंस, बताशा जो है बैरोमीटर की भांति दाब ग्राही का कार्य करता है और मछली को एक निश्चित गहराई पर तैरने में सहायता करता है। आशा की दीवार के तनाव में होने वाले परिवर्तन मछली की गति को समायोजित करते हैं। फंक्शंस ऑफ एयर ब्लेडर, बताशा के निम्न कार्य होते हैं। एस हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन, बताशा एक द्रव स्थैतिक अंग का कार्य करता है। यह गैस के आयतन द्वारा मछली को जल में तैरने से में जो है सहायता करता है। फाइसोस्टोमस, मछलियों में बताशा में वायु के आयतन का नियमन वायुवी नलिका द्वारा वायु को निकलने या बाहर निकालने की क्रिया द्वारा होता है। साउंड प्रोडक्शन, बताशा ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करता है। ईल जो है एंगुली ला जो है डोर्स तथा ट्रेगल आदि मछलियों में न्यूमेटिक वाहिनी में से वायु के निकलते समय विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। बताशा में वायु परिवहन से अपूर्ण पटों में कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है पॉलीट्रियस अमिया सॉरी फ्रेंड्स तथा लेपिडोस्टेस आदि जो है टीबियोस तथा डिप्नोई मछलियों में वायु आशय या बताशा फेफड़ों का कार्य करता है। डिप्नोई में बताशा एम्फीबियंस के फेफड़े के समान होता है। यह मछलियों व जो है साइप्रिनोड्स पानी के जहाज़ों व अनुप में रहती हैं जहाँ पर O2 कम मात्रा में होती है। जो है ऑडिटरी फंक्शंस की बात करें तो बताशा कणों में ध्वनि की तरंगे जो है को संचारित करता है। यह कार्य वेवेरियन अस्थिकाएं के माध्यम से होता है। यहाँ पे जो है जो क्रोनी जो होती हैं क्रोफिफॉर्मिस में बताशा तथा आंतरिक कान को ढकने वाली जो है पेरिलिम्प केविटी को परस्पर जोड़ने वाली छोटी वेवेरियन अस्थिकाएं चयन होती हैं। एंड एडजस्टेबल फ्लोट, पानी के अंदर विभिन्न गहराइयों व सतह पर तैरने के लिए बताशा एक समायोज प्लव का कार्य करता है। जब मछली पानी के अंदर जाना चाहती है तो गैस अवशोषित हो जाती है तथा शरीर का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। SN एम्पलीफायर, बताशा एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। ब्लास्टेस्ट में आवाज़ उत्पन्न होता है
और पेल्विक ग्रिडल की वेसल्स बोन के हिस्ट्री जो है रिलेशंस के द्वारा ये ध्वनि बाद में बताशा के द्वारा प्रवर्धक होती है जो पेल्विक ग्रिडल से जुड़ी होती है। कंट्रोल ऑफ जो है कंट्रोल ऑफ बायो बायोएजेंसी हाइपोक्सिक वाटर में बाहरी श्वसन अंग के श्वसन रूप में कार्य करता है। यह जो है फाइसोली स्टोस फिश जैसे डॉर्मिटेटर लेटिफॉर्म्स आदि में यह सहायक श्वसन अंग समतल और अधिक जो है वास्कुलराइज्ड एपिथीलियम से सिर के ऊपर रहते हैं। जब मछली पानी से बाहर आती है तो यह गैस ब्लेडर से श्वसन का कार्य करती है। सेंसरी फंक्शंस पानी के विभिन्न गहराई के अनुसार दाब परिवर्तन होने पर स्विम ब्लेडर प्रेशर रिएक्टर के रूप में कार्य करता है। एस ए स्टोरेज ऑर्गन फॉर ओ टू बताशा है दोनों प्रकार की मछलियों में ओ टू को इमरजेंसी के लिए स्टोर रखने का कार्य करता है। उदाहरण जो है टिनिका टिनिका साइप्रेनियस कार्पियो कैरेसियस और ऑर्टेस। साउंड रिसेप्शन कार्प्स और फैट फिशेज में बताशा एक स्मॉल बोन्स की चेन के द्वारा आंतरिक कान से जुड़ा रहता है। दोनों साइड विबेरियन ओसिकल्स रहते हैं। यह ओसिकल्स वर्टिब्रेट्स साउंड के या जो है वाइब्रेशंस द्वारा परिवर्तन होने के कारण कौन भी करता है। जहाँ पर बताशा से सुनने के लिए आंतरिक कान संग्राही और संतुलन का कार्य करता है। गैस सिक्रेशन ब्लेडर से वायु का हटना वायु का स्त्रावण कहलाता है जिससे CO2 की मात्रा अधिक होती है परंतु बाद में O2 का अधिक भाग होता है। वायु का स्त्रावण तब होता है जब मछली जो है कहीं जुड़ी होती है। गैस रिएब्सॉर्प्शन वायु का पुनः अवशोषण स्विम ब्लेडर से होता है जब मछली का घनत्व तैरने या कहीं आक्रमण बताशा में होती है तब पुनर्ग्रहण होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।